Love Shots by Love Guru, only on Radio City. Hi, मैं हूं Love Guru. और आज Love Shots में मैं सुना रहा हूं आपको जय और माधवी की कहानी. कभी हां कभी ना. आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है. जय और माधवी दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के लिए रिश्ता देख रहे थे. माधवी की मम्मी हर रोज उनके लिए एक रिश्ता लेकर आती और माधवी सबको रिजेक्ट कर देती थी. फिर एक दिन माधवी की मैट्रिमोनी प्रोफाइल में जय का इंटरेस्ट आया. माधवी की प्रोफाइल उनके मम्मी पापा देखते हैं. जय का इंटरेस्ट देखते ही उन्हें कॉल लगाया. हमेशा की तरह उन्हें लड़का बहुत पसंद आया. सुबह नाश्ते का वक्त था. जहां माधवी बैठती हैं उनके सामने फोन खुला पड़ा था जय की प्रोफाइल के साथ. माधवी आई, कुर्सी खींचते हुए बोली, आज क्या नाश्ते में प्रोफाइल खाऊं? माधवी की मम्मी ने कहा, अरे एक बार प्रोफाइल देखो तो सही. गुस्से से माधवी ने फोन को हाथ में उठाते बोला, हाइट 5'8"? मुझे 6 फीट का लड़का चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं. मीडिया प्रोफेशनल? मुझे किसी मीडिया प्रोफेशनल से शादी नहीं करनी. मैं चाहती हूं कि मेरी ही सॉफ्टवेयर लाइन से कोई लड़का हो. माधवी नाश्ते के टेबल से उठी, फोन को साइड में पटका और बिना नाश्ता किए ही गाड़ी की चाबी उठाई, चल दी. ये पहली बार था जब जय और माधुरी एक दूसरे से रूबरू हुए इनडायरेक्टली. दोपहर के 2 बज रहे थे. माधवी का एज यूजुअल अपनी मम्मी के पास कॉल आया. बोली, मम्मा आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया. माधवी की मम्मी ने कहा, इट्स ओके बेटा, हमने जय से बात की है, बहुत अच्छा लगा बात करके. तुम एक बार बात तो कर लो, बाकी डिसीजन जो भी हो तुम्हारा. माधवी ने कहा, ओके. माधवी ने जय को कॉल मिलाया. एक दूसरे को दोनों ने इंट्रोड्यूस किया, बताया कि क्या करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या कुछ प्लान्स हैं. फिर एक दूसरे ने डिसाइड किया, वीकेंड पर मिलते हैं, मिलकर कुछ बातें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा. शनिवार का दिन था. माधवी और जय ने जैसा प्लान किया एक दूसरे से मिलने पहुंचे. बातें होनी शुरू हुई. एक दूसरे ने अपनी अपनी जिंदगियों का नजरिया, कुछ तजुर्बे एक दूसरे से साझा किए. माधवी बहुत इंप्रेस हुई क्योंकि जय बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर और बहुत ही समझदार इंसान लग रहे थे. जय को भी बहुत अच्छा लगा माधवी से मिलकर. जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसी ही लड़की उनके सामने बैठी थी. वो कहते हैं ना कि पहली बार ही कुछ चीजें क्लिक कर जाती हैं. जय और माधवी के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ. दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों थोड़ा बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, कंफर्टेबल होंगे और उसके बाद शादी की प्लानिंग करेंगे. दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बातें होने लगी, मिलना जुलना बढ़ने लगा, प्यार धीरे धीरे पनपने लगा. लगभग 1.5 महीना बीता. रात के तकरीबन 11 बज रहे थे. उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया. माधवी ने फोन उठाया और सामने से आवाज आई, हाय मैं अभिषेक बोल रहा हूं. अभिषेक माधवी के एक्स थे. 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बावजूद दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. चूंकि अभिषेक बहुत गुस्सैल थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे. अभिषेक ने कहा, माधवी आई स्टिल लव यू, आई नीड अ चांस. मैं बदल चुका हूं, मैंने अपने गुस्से को बहुत हद तक काबू कर लिया है. थोड़ी देर बात हुई. माधवी ने कहा, हम सुबह बात करेंगे. सुबह खुद माधवी ने अभिषेक को कॉल किया. बातें होने लगी. और वो होता है ना, जब पुराना प्यार वापस आए आपकी जिंदगी में, तब कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ ही जाते हैं. माधवी की जिंदगी में भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा था. एक तरफ वो जैसे मोहब्बत करने लगी थी, दूसरी तरफ उनका पुराना प्यार उनकी जिंदगी में वापस आ चुका था. अभिषेक से भी बातें होने लगी थी. माधवी कहीं ना कहीं जय को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी. जय भी बहुत एडजस्ट करने वाले इंसान थे. बात करते करते 1 महीना गुजर चुका था. एक शाम की बात है, माधवी मीटिंग में थी, अभिषेक का कॉल आ रहा था. माधवी ने आंसर नहीं किया. कॉल बार बार आता रहा, माधवी ने आंसर नहीं किया. माधवी मीटिंग से बाहर निकली, उन्होंने तुरंत अभिषेक का कॉल रिटर्न किया. सामने से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्से में अभिषेक ने माधवी को बहुत कुछ कह डाला. माधवी चुप रही.
क्योंकि यह उनके लिए एक झटका था। और तब उन्होंने अभिषेक को कहा, अभिषेक आप नहीं बदले और मैं आपके साथ किसी भी तरीके के किसी भी रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। फोन डिस्कनेक्ट हुआ। माधवी ने तुरंत जय को कॉल किया, उन्हें कहा मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूं। जय ने पूछा सब ठीक तो है? माधवी ने कहा हां, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। जय ने कहा ठीक है मैं आता हूं। जय और माधवी एक कैफे में मिले। माधवी ने पूरा सच बताया। पूरी कहानी को सुनकर जय बहुत ही सहजता के साथ बोले, माधवी ये जिंदगी हम सबको एक मौका देती है, एक मौका आपके पास भी है। मैं चाहता हूं आप जो भी फैसला लो अपने आप को दिमाग में रखो, किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस शादी के लिए इनकार भी कर दोगे तो मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि ये आपकी और मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। आपको समय चाहिए तो समय ले लो। माधवी हैरान रह गई कि एक इंसान जो लगभग पिछले 2-2.5 महीने से बात कर रहा है, वो सब कुछ जानता है, समझता है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बड़े ही बैलेंस्ड तरीके से उसने मेरी प्रॉब्लम का पल भर में सॉल्यूशन दे दिया। अब माधवी का फैसला जय को लेकर और स्ट्रांग हो चुका था। माधवी ने फाइनली ये डिसाइड किया शादी वो जय से ही करेंगी, क्योंकि जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरीके की कंपैटिबिलिटी थी, जय जितने ज्यादा कंसिडरेट थे, जय जितनी रिस्पेक्ट करते थे, उनको सुनते थे, समझते थे, माधवी ने ये डिसाइड किया कि इससे बेहतर इंसान उन्हें मिल ही नहीं सकता। ये थी जय और माधवी की कहानी, कभी हां कभी ना। आज से लगभग 1.5 महीने बाद जय और माधवी की शादी है। वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी शादी में आऊं। दोनों बहुत खुश हैं और दोनों ने अपनी ये लव स्टोरी मुझे शेयर की। होता है ना हमारी जिंदगी में कभी कभार रिश्तों में एक रुकावट आती है, चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, पर आखिरकार प्यार ही है जो बरकरार रहता है। जय और माधवी की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। आप भी अगर चाहते हैं कि मैं आपकी लव स्टोरी लव शॉर्ट्स में शामिल करूं तो मुझे शेयर करिए अपनी लव स्टोरी। टाइप कीजिए city space love 8454911911 पर व्हाट्सएप के जरिए और सुनते रहिए लव शॉर्ट्स बाय लव गुरु ओनली ऑन रेडियो सिटी।